और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। विद्यासागर महाराज की बात पर भावुक हुए। विद्यासागर से मुलाकात का पीएम ने इस दौरान जिक्र किया और कहा कि आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, क्या पता था कि अब नहीं मिल पाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। भारतवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने जैन मुनि विद्यासागर जी को याद करते हुए किया और ये कहा कि कई मर्तबा मैं उनसे मिल चुका हूँ। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जैन संत विद्यासागर ने शरीर त्याग दिया और ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने आशीर्वाद लिया था और इसी क्षण को प्रधानमंत्री याद करते हुए आज नजर भी आए थे। जब उनका संबोधन था तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि मैंने इससे पहले जब मुलाकात की थी तो नहीं लगा था कि वो मुलाकात आखिरी होगी। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में है, हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा।